जगहें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर कभी न मिटने वाली एक छाप छोड़ जाती हैं। लद्दाख मानो ऐसी ही एक जगह है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तभी होने लगा जब लद्दाख पहुंचते वक्त मैंने एयरप्लेन की खिड़की से बाहर नीचे का नज़ारा देखा। सुबह के 7 बजे हैं और मैं अभी पहुंचा हूं लेह। अभी यहां से मैं सीधे जा रहा हूं जोस्टल में बुकिंग कराई है। पहले 2 दिन मैं जोस्टल में रुकने वाला हूं, उसके बाद फिर मेरी पूरी आइटनरी सेट है। ज़्यादा ठंड नहीं है, घूमने के हिसाब से अच्छा मौसम है। अच्छा, एयरपोर्ट से मैंने प्रीपेड टैक्सी एक बुक कर ली थी जोस्टल तक के लिए। एयरपोर्ट से जोस्टल तक के लिए 400 रुपये प्रीपेड टैक्सी का चार्ज है। मैंने नेट पे भी सर्च किया था, करीब करीब इतना ही पता चला था मुझे, तो स्टैंडर्ड रेट्स हैं शायद। अंदर चलते हैं। पार्किंग स्पेस है, ये बाहर सिटिंग एरिया। नीचे है रिसेप्शन। कॉमन एरिया, बुक्स पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स रखे हैं, टीवी देख सकते हैं। दीवारों पे अच्छे से पेंटिंग हुई भी है। वाटर प्यूरिफायर, लगेज रूम, और अगर आपका चेक इन होने में टाइम है तो आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके के फॉर्मेट हैं, जैसे नॉर्मली हॉस्टल में होता है, डॉर्मेट्री स्टाइल और प्राइवेट रूम। ये एक डॉर्मेट्री है, 6 बेड हैं इसमें। आपको ये एक एक कबर्ड मिल जाता है, अपना लॉक कैरी करें साथ में। वॉशरूम, जो प्राइवेट रूम है उसमें आपका डबल बेड पड़ा हुआ होता है। डॉर्मेट्री बेड का जो नॉर्मल कॉस्ट है 400 to 500 rupees पर नाइट, और आपका जो प्राइवेट रूम है उसका कॉस्ट पड़ता है करीब 1500। शांति स्तूप यहाँ से दिख जाता है। मेन्यू है काफ़ी एक्सटेंसिव है, इंडियन, चाइनीज, इटालियन। ये पीछे की तरफ रोड खारदुंगला के लिए निकलती है। ये किचन है,
यहाँ बैठ के धूप सेक सकते हैं, और वहाँ पे दो बिल्लियाँ बैठी हैं जो शायद खाने का इंतज़ार कर रही हैं।